दोस्तों अगर आपके पास पंजाब नेशनल बैंक का न्यू एटीएम कार्ड है, आप उसका एटीएम पिन जनरेट करना चाहते हैं ऑनलाइन, तो इसके ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि भाई हमने आपका वीडियो भी देख लिया लेकिन हमारा एटीएम पिन जनरेट नहीं हो पा रहा है। एक भाई ने मेरे को कमेंट लिखा कि भाई मेरे सामने कुछ इस तरह का एरर आ रहा है, और उसके नीचे बहुत सारे दोस्तों ने लिखा कि मुझे भी सेम प्रॉब्लम आ रही है। तो ये प्रॉब्लम क्या प्रॉब्लम है और क्यों ये प्रॉब्लम आ रही है, आज इसके ऊपर मैं स्टेप बाय स्टेप आपको जाने वाला हूं और प्रैक्टिकल बताने वाला हूं कैसे आप कौन से एटीएम कार्ड का एटीएम पिन कैसे जनरेट कर पाएंगे ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन। तो चलो गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। हाय गाइस, मेरा नाम है उमर और आप देख रहे हैं सन मोबाइल टिप्स। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, पंजाब नेशनल बैंक का अगर आपके पास कोई सा भी एटीएम कार्ड है तो उसका एटीएम कार्ड का एटीएम पिन आप दोनों तरीके से जनरेट कर सकते हैं, यानी ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी, एटीएम मशीन से भी ऑनलाइन भी। तो जैसे कि आप यहाँ पर आप देख पा रहे हो, मेरे पास यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक के दो एटीएम कार्ड हैं। यह है पंजाब नेशनल बैंक का प्लैटिनम एटीएम कार्ड। इसका एटीएम कार्ड का एटीएम पिन जनरेट करने के लिए हमें यह तो ऑनलाइन पीएनबी वन ऐप में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, वहां से इसका एटीएम पिन जनरेट होगा, या फिर पीएनबी के एटीएम मशीन से इसका एटीएम पिन जनरेट होगा। ठीक है ना, आपका डाउट क्लियर? ठीक है ना। अब ये है हमारे पास पंजाब नेशनल बैंक का नया एटीएम कार्ड। ये अभी नया एटीएम कार्ड चल रहा है, मतलब न्यू टाइप का रुपये वाला एटीएम कार्ड है और बस वाला एटीएम कार्ड है। तो इसका एटीएम कार्ड का एटीएम पिन आप दोनों तरीके से बना सकते हैं, या तो ऑनलाइन आप इंटरनेट बैंकिंग वेबसाइट के थ्रू बना सकते हैं, या फिर आप पीएनबी के एटीएम मशीन से भी आप इसका एटीएम पिन बना सकते हैं। यानी दोनों अगर एक तरीके से देखें तो दोनों एटीएम कार्ड का एटीएम पिन आप दोनों तरीके से बना सकते हैं। बस ये जो प्लैटिनम एटीएम कार्ड है, इसका एटीएम पिन आपको पीएनबी की इंटरनेट बैंकिंग वेबसाइट से नहीं बनेगा, बल्कि इसके लिए आपको पीएनबी वन ऐप जो पंजाब नेशनल बैंक का है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसकी मदद से उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, यूजर आईडी बनानी पड़ेगी। तो यूजर आईडी पासवर्ड कैसे बनाते हैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वीडियो देख लेना। तो अगर आप उसमें रजिस्ट्रेशन कर लेते हो पीएनबी वन ऐप में तो इसका एटीएम पिन आप तब जनरेट कर पाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ, इन दोनों एटीएम कार्ड के अलावा भी पंजाब नेशनल बैंक के कई सारे एटीएम कार्ड आते हैं। जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक का प्रधानमंत्री जनधन योजना वाला एटीएम कार्ड आता है, तो उसका एटीएम पिन भी आप दोनों तरीके से बना सकते हैं, यानी ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। तो ये तीनों का जो है ना मतलब सिमिलर सही है, और कोई सा भी एटीएम कार्ड हो पंजाब नेशनल बैंक का उसका सिमिलर है। अब मैं आपको यहाँ पर मैं आपका डाउट क्लियर करना चाहता हूँ। एक भाई ने जो मेरे को कमेंट लिखा था कि भाई ये वाली प्रॉब्लम आ रही है तो इसका सोल्यूशन क्या है, एक भाई ने उसको रिप्लाई में लिख भी दिया है कि भाई एटीएम मशीन पे चले जाओ, वहां से आपका बन जाएगा। तो यहाँ पर मैं भी आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने आपको ग्रीन पिन रिसीव नहीं हो रहा है, यानी डीसीपीआईएन को आपने कार्ड नंबर लगाकर सेंड कर दिया है, आपको ग्रीन पिन नहीं मिल रहा है जो 6 डिजिट का ओटीपी होता है जिसकी वजह से आपका एटीएम पिन जनरेट होता है, अगर आपको वो नहीं मिलेगा तो आपका एटीएम पिन जनरेट नहीं होगा। तो ऑनलाइन में अगर आपने ट्राई करके देख लिया अपने फोन नंबर से और ओटीपी नहीं मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको आपके आसपास में ही आपको पंजाब नेशनल बैंक का एटीएम मशीन मिल जाता है। तो आप वहां पर जाइए पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम मशीन पे, जाने के बाद वहां पर आपके पास ऑप्शंस होता है, यानी एटीएम मशीन में ऑप्शन होता है आपके पास ओटीपी रिसीव करना। जैसे पहली बार में एटीएम कार्ड आप लगाएंगे तो आपको ओटीपी रिसीव कर लेना है और आपको एटीएम निकाल लेना है, फिर दोबारा से आपको उस ओटीपी को डाल देना है, आपका एटीएम पिन जनरेट हो जाएगा। उसके ऊपर मैंने प्रैक्टिकल वीडियो बना रखी है कैसे आप एटीएम मशीन से एटीएम पिन जनरेट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके देख लेना। तो यहाँ पर मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पास पंजाब नेशनल बैंक का कोई सा भी एटीएम कार्ड है, ठीक है ना, कोई सा भी एटीएम कार्ड है, तो उसका एटीएम उस एटीएम कार्ड का आपको एटीएम पिन जनरेट करने के लिए सबसे पहले आपको ऑनलाइन ट्राई करके देख लेना है, ग्रीन पिन मंगवा के देख लेना। अगर आपको 6 डिजिट का ओटीपी मिल जाता है, ग्रीन पिन मिल जाता है, तब आपको ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग वेबसाइट के थ्रू या फिर पीएनबी वन ऐप के थ्रू आपको एटीएम पिन जनरेट करके देख लेना है। अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो भाई एटीएम मशीन पे आप जाइए, जाने के बाद आपको अपना एटीएम कार्ड का एटीएम पिन जनरेट कर लेना है। तो आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, उम्मीद करता हूँ कि आपको सही इन्फॉर्मेशन मिल पाई होगी। और अगर आप लोगों को अभी भी समझ में नहीं आया है तो वीडियो को स्किप करके दोबारा से देख सकते हैं, या फिर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है या कुछ पूछना चाहते हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई जरूर से करते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक जरूर से करना, चैनल पर नए हो इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो चलो गाइस मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।